नमस्कार, आज हम अपनी अगली क्लास शुरू करेंगे जैव विविधता पे। जो हमने पिछली क्लास ली थी उसमें हमने ये बात की थी कि उसकी महत्ता क्या है, जैव विविधता कम होने के प्रमुख कारण क्या हैं और किस तरीके से वो कम होती जा रही है, किस तरीके से मास एक्सटिंक्शन और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे IUCN क्लासिफिकेशन की और रेड डेटा बुक की। IUCN जो ऑर्गेनाइजेशन है 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका ओरिजिनल नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। इसको नेचर और नेचुरल रिसोर्स भी कहा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है और सतत विकास को आगे बढ़ाना है। पर इसके हेडक्वार्टर्स जबकि स्विट्जरलैंड में है, जब ये इनिशियली बनी थी तो इसका नाम IUPN था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर 48 से 56 तक, और 90 से 2008 तक इसका नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन था। तो अगर आपके लिए सवाल आता है WCU क्या है या IUPN क्या है, तो वो वही चीज़ है जो IUCN है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें 1400 अलग अलग जगह की सरकार और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई हैं। 16,000 से ज़्यादा इसके वॉलंटियर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस दिया है, और इसने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो जब रेड डेटा बुक पब्लिश हुई थी 1964 में, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटन्ड हैं, इंडेंजर्ड हैं, जो कि खत्म होने की कगार पे हैं, उन स्पीशीज़ पे फोकस किया जाए, उसका क्या कारण है उसको पता लगाया जाए और उसके कंजर्वेशन को महत्व दिया जाए। कुछ जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी IUCN की, उसके बारे में हम बात करते हैं। 1959 में सबसे पहले यूनेस्को ने ऐसा बोला था कि हमें सारे नेशनल पार्क्स की लिस्ट चाहिए, और ये काम IUCN को सौंपा गया था। 61 में WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बना था। 1975 में रामसर कन्वेंशन आया था जिसने वेटलैंड्स के इशू को उठाया था। 91 में केयरिंग ऑफ द अर्थ पब्लिश हुई थी। 2003 में ग्लोबल बिजनेस और बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम की शुरुआत हुई। 2012 में दुनिया की 100 मोस्ट थ्रेटन्ड स्पीशीज़ की लिस्ट निकाली गई, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सी स्पीशीज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ किस इलाके में पाई जाती है, तो ये आपको याद करना ही होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी, और सब्जेक्टिव में भी आप इसको इस इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। 2017 से 20 तक ऐसा माना गया है कि आने वाले जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो सतत विकास के गोल्स हैं हमारे, हमें उन पर फोकस करना होगा। तो IUCN का प्रमुख उद्देश्य यही रहा है। अब दो तरीके की रेड डेटा बुक और ग्रीन डेटा बुक की हम बात करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रेड डेटा बुक में हम वो लिस्ट निकालते हैं कि ये स्पीशीज़ खत्म होने की कगार पे हैं या समाप्त होने की कगार पे हैं, तो इनके कंजर्वेशन की आवश्यकता है, उसको हम रेड डेटा बुक या रेड डेटा लिस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ होता है ग्रीन डेटा बुक। ग्रीन डेटा बुक में हम 200 से ज़्यादा ऐसी आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं, जैसे कृषि हुआ, मत्स्य पालन हुआ, जैव विविधता हुई, ऊर्जा के सोर्स हुए, और ये सारी चीज़ें हम ग्रीन डेटा बुक में डिस्कस करते हैं। अब रेड डेटा लिस्ट की जब हमने बात की थी, तो हमने बोला था कि कौन सी स्पीशीज़ खत्म होने की कगार पे हैं, ये उसका पता लगाती हैं। तो कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, कौन सी विलुप्त हो चुकी हैं स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हैं, उनके बारे में बात करती हैं। तो अगर हम 1990 से 2012 तक का चार्ट देखें जो IUCN ने डिक्लेयर किया है, तो उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि 2000 के आसपास कोरल्स की जनसंख्या बहुत अच्छी थी और IUCN में उसको अच्छी रैंकिंग पर रखा गया था, पर वो धीरे 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 घट रही है, और उसमें जो डिक्लाइन हो रहा है, जो कमी आ रही है, वो बहुत ही तीव्र है। ऐसी तीव्र कमी ना तो पक्षियों में आ रही है, ना ही मैमल्स में आ रही है, और ना ही एम्फीबियंस में आ रही है। तो सबसे तीव्र गति से जो गिर रहे हैं वो है कोरल्स। तो इसके लिए विल्किंसन्स रिपोर्ट आई। 6 मास एक्सटिंक्शन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें मेन फोकस कोरल ब्लीचिंग है। तो इसमें हमने बात की है कि ये मुख्यतः मानव जनित है, जो हमने पिछली कक्षा में बात की थी एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्सटिंक्शन की, जो कि मानव जनित कारणों से हो रहा है। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें कोई एक लिस्ट निकालनी चाहिए जिसमें हम ये बताएं कि ये स्पीशीज़ विलुप्त हो चुकी है या ये विलुप्त होने वाली है, तो उसका कुछ प्रमुख कारण है। पहला कारण तो ये है कि हमें ये पता लगाना है कि कौन सी स्पीशीज़ पर कितना खतरा है। अगर आदमी से ह्यूमन जनित, मनुष्य जनित कोई क्रिया हो रही है, तो उससे किस स्पीशीज़ को सबसे ज़्यादा खतरा हो रहा है, उसको हम कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं,
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम ला सकते हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज हो सकती हैं, सिट्स के बारे में जानकारी जिसमें हम जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका व्यापार कैसे हो, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हो, उसके बारे में बात करते हैं और उसको एक स्टेटस दे देते हैं ताकि हमें ये ध्यान रहे कि हमें इन स्पीशीज को कंजर्व करना है और इन स्पीशीज को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो ही हमारा जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल हो सकता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बात की थी, जैव विविधता तभी सबसे ज़्यादा हो सकती है जब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज रहें, तो जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी उतनी ज़्यादा इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी या स्थिरता होगी। 2007 में वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला और क्रॉस रिवर गोरिल्ला को एंडेंजर्ड से बढ़ा के क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब जो विलुप्त होने के बहुत ही नज़दीक है, उसी स्पीशीज पर रख दिया गया था। उसके दो प्रमुख कारण थे, एक तो अफ्रीका के जंगलों में उस समय इबोला वायरस फैला था और दूसरा बहुत ज़्यादा जंगलों की कटाई हो रही थी, तो इन दो कारणों की वजह से ये दो गोरिल्ला की स्पीशीज एकदम से डिक्लाइन हुई थी। हम आगे और स्पीशीज की बात करेंगे मुख्यतः भारत में जो कि कम होती जा रही हैं। हर 5 साल में ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी कैटेगरीज को चेक करते हैं और 10 साल में लगभग हम इसको रीइवैल्यूएट करते हैं। जैसे कि IUCN है, इससे मिलती जुलती और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे है वो आपका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पक्षियों पे ही फोकस करता है और इम्पॉर्टेंट बर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी एरियाज की बात करता है और उनको कंजर्व करने की बात करता है। सिट्स, जैसा कि हमने कहा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करता है, 75 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये किसी भी पार्टी पर लीगली बाइंडिंग है और इसके स्वरूप ही एक और ट्रीटी है जिसको माइक कहा है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा गया है। अगला है ट्रैफिक, जिसको वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क कहा गया है, जो WWF और IUCN के मिले जुले इफेक्ट से लाया गया है। सिट्स से कॉम्प्लीमेंट्री है, 76 में बना था, हेडक्वार्टर्स UK में कैम्ब्रिज में स्थापित है। इसका मुख्य कार्य ये है कि जितने भी वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उनके ट्रेड को डील करना और वाइल्ड लाइफ क्या किस तरीके से ट्रेड होता है, उसका क्या पैटर्न है, उसके बारे में समझना। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे आते हैं, वो है हमारा IUCN 9-point क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में यहाँ पर आप 8 कैटेगरीज देख सकते हैं और अगली एक और कैटेगरी है जिसको हम नॉट इवैल्यूएटेड कहते हैं, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। एक्सटिंक्ट वो कैटेगरी है जो विलुप्त हो चुकी है, जैसे डोडो बर्ड, पैसेंजर पिजन। अगला है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वो प्रजातियाँ जो विलुप्त हो चुकी हैं पर सिर्फ जंगलों में, उनको कैप्टिव रूप से उनको जू में अभी भी रखा गया है, कुछ स्पीशीज बची हैं, ज़्यादा कोई ऐसे एग्जांपल्स नहीं मिलते हैं। कुल मिला के एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड के 81 स्पीशीज पूरे विश्व भर में बची हैं। फिर अगला है 3 कैटेगरीज जिनको हमने थ्रेटन माना है और अगला 3 जिनको हम लोअर रिस्क मानते हैं। लोअर रिस्क में तो आपकी वो कैटेगरीज हैं जिनके बारे में या तो डेटा सफिशिएंट नहीं है या जो नियर थ्रेटन्ड है, मतलब जो थ्रेटन होने पे के करीब है, या फिर जिसके ऊपर लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न मतलब वो बहुताय में पाई गई है, जैसे आपके कबूतर हो गए, गिलहरियाँ हो गई, तो ये बहुताय में है, तो इनकी हमें परवाह नहीं है, इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते। हमारा मुख्य फोकस रहेगा थ्रेटन्ड स्पीशीज़। थ्रेटन्ड में भी जो वल्नरेबल स्पीशीज़ की हम बात करते हैं वो स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर होने वाली हैं, और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड होने वाली हैं, और क्रिटिकल एंडेंजर्ड वो स्पीशीज़ हैं जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं या विलुप्त हो सकती हैं, बहुत ही कम बची हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड पे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड को क्लासिफाई करने के लिए 5 कैटेगरीज दी गई हैं, या तो पिछले 10 सालों में उनकी जनसंख्या 80% से कम हो गई हो, या फिर वो किसी एक बहुत ही छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन मैच्योर एनिमल्स में 50 से भी कम बची है, वो लगातार गिर रहे हैं, 250 से कम उनकी कुल जनसंख्या है और पिछले 3 सालों में 25% की दर से वो गिर रहे हैं लगातार, और जंगलों में वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत बचे हैं वो किसी जू में या कैप्टिव एरियाज में ही पाए गए हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की। इस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर किसी स्पीशीज़ को हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है तो फिर हम उसके कंजर्वेशन की बात करेंगे। अब IUCN जब अपनी लिस्ट निकालता है तो उसमें 2 तरीके की पर्चियाँ होती हैं, पिंक पर्ची और हरी पर्ची। जो गुलाबी पर्ची है उसका मतलब ये है कि ये स्पीशीज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो रही है, और
जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जो 1400 गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस IUCN के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको उन नई स्पीशीज़ की लिस्ट भेजी जाती है और वो नए पेज रेड डेटा बुक में ऐड होते हैं। जब हम हरी पर्ची की बात करते हैं तो हरियाली मतलब ग्रीनरी, ज़्यादा पेड़ उगा रहे हैं तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा फल फूल रहा है, तो उसी तरीके से ग्रीनरी मतलब हरी पर्ची मतलब जो स्पीशीज़ पहले थ्रेटेंड थी पर अब धीरे धीरे रिकवर हो गई हैं और अब हमारे पास उन स्पीशीज़ की, उन प्रजातियों के ज़्यादा सैंपल्स मौजूद हैं, तो उन केसेस में हम उनको ग्रीन लिस्ट की तरह निकालते हैं, ग्रीन पेजेस की तरह निकालते हैं और अब वो स्पीशीज़ थ्रेटेंड नहीं है, अब उन पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, वो बहुतायत में पाई जाएंगी धीरे धीरे, तो इसमें वृद्धि हो रही है उन प्रजातियों में। तो ये जो ग्रीन पेजेस हैं ये भी वापस सब्सक्राइबर्स को भेजे जाते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि कुल स्पीशीज़ अगर इतनी है तो उसमें से लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़ इतनी है, मतलब इतनी स्पीशीज़ तो बहुताय में है, हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 800 स्पीशीज़ ऐसी हैं, 868 जो विलुप्त हो चुकी हैं, 78 ऐसी हैं जो जंगल में विलुप्त हो चुकी हैं और फिर आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड लगभग 5000 स्पीशीज़ हैं, एंडेंजर्ड लगभग 7000 और इसी तरीके से अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग ऑर्डर में। अब जब हम कैटेगरीज़ की बात करते हैं तो हमने देखा लो रिस्क कैटेगरी क्या है, थ्रेटेंड क्या है और एक्सटिंक्ट क्या है। लो रिस्क कैटेगरी 1994 में तीन सब कैटेगरीज उसके अंदर आती थी, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड और कंजर्वेशन डिपेंडेंट। बाद में नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न को 2001 में अलग कैटेगरी बना दिया गया और जो कंजर्वेशन डिपेंडेंट स्पीशीज़ थी उनको नियर थ्रेटेंड का हिस्सा बना दिया गया। तो ये दोनों मर्ज होकर नियर थ्रेटेंड हो गई और लीस्ट कंसर्न अपनी एक अलग स्पीशीज़ रह गई। अब भारत का क्या रोल है IUCN के साथ? IUCN 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, भारत 1969 में 20 वर्ष बाद उसका हिस्सा बना और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की मदद से 2007 में पहली बार IUCN का इंडिया कंट्री ऑफिस बना नई दिल्ली में। उसका मुख्य काम ये था कि कौन कौन सी स्पीशीज़ विलुप्त हो रही हैं उनका पता लगाया जाए, उनको किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, किस तरीके से गवर्नेंस बढ़ाई जा सकती है, गरीबी से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सभी इश्यूज से डील करने की बात कही गई थी। अब अगर हम भारत में देखें तो लगभग 10 मैमल्स, 15 बर्ड्स, 6 रेप्टाइल्स, 19 एम्फीबियन और 14 फिशेस जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, मतलब वो कभी भी विलुप्त हो सकती हैं, तो उनके कंजर्वेशन पे मुख्य ध्यान दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पूरी लिस्ट है जो वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है उन पे हम फोकस कर लेते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स में कोंडाना रैट हाल ही में न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है। 3 श्रियू की वेराइटी है, पिग्मी हॉक है, फिर आपका सीवेट है जो एक बिल्ली के जैसी होती है, उड़ने वाली स्क्विरल है, गिलहरी है और 2 राइनोसोरस हैं जिसमें सुमात्रा और जावा राइनोसोरस हम बोलते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स में मुख्यतः आपके वल्चर आते हैं, आपकी एक प्रकार की आउली या उल्लू आएंगे, फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और साइबेरियन क्रेन्स जो कि मुख्यतः माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल्स में हम बोलते हैं घड़ियाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 तरह के अलग अलग टर्टल्स हैं और गेको, तो ये सारे रेप्टाइल्स हैं जो आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड एम्फीबियंस में आपके भांति भांति के फ्रॉग आएंगे जिनकी लिस्ट है, आपको ध्यान रखना होगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसलिए ये याद रखने ही होंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मछलियों में 2 प्रकार की शार्क और 3 प्रकार की सॉफिश जोड़ी गई हैं। फिर कोरल्स में फायर कोरल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना गया है। स्पाइडर में 2 स्पाइडर हैं, रामेश्वरम पैराशूट और गोटी टारंटुला जो कि मुख्यतः क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एंडेंजर्ड मैमल्स की, उसमें रेड पांडा जो कि आपके उत्तर पूर्व के राज्यों में सिक्किम के क्षेत्रों में देखे गए हैं, मुख्यतः कैप्टिविटी में ज़्यादा पाए जा रहे हैं। फिर धोले जिसको हम एशियाटिक वाइल्ड डॉग कहते हैं, गोल्डन लंगूर, लॉयन टेल मकाओ, आपका मस्क डियर, आसाम रैबिट, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो अब एंडेंजर्ड हो रही हैं और ये कभी भी समाप्त हो सकती हैं। मैराइन मैमल्स में अगर हम देखें तो फ्रेश वाटर और रिवर डॉल्फिन भी इसका हिस्सा हैं। अब हमने ये सब बात की, हमने जैव विविधता की बात की, हमने इन स्पीशीज़ की बात की जो विलुप्त हो चुकी हैं या जो खतरे के मार्ग पर हैं। अब हम ये बात करते हैं कि इनको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, तो इसमें हम 2 चीज़ों की बात करते हैं। पहला तो होगा कि किस तरीके से हमारी एक
संकुचित धारणा क्या है कि इससे हमें फल मिल सकते हैं, इससे हमें खाना मिल सकता है, भोजन मिल सकता है, तेल मिल सकता है, ऑयल मिल सकता है, या हमें दवाइयाँ मिल सकती हैं। तो ये तो हमारा एक बहुत नैरो विजन या छोटा संकीर्ण विचारधारा हो गई। अगर हम बड़ी विचारधारा से इसको देखें तो इसके मुख्य कारण क्या हैं? क्लाइमेट रेगुलेट करना, ऑक्सीजन का बैलेंस करना, इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी लाना, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल की तरह काम में आते हैं, कई बार इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, ये हमारी एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बायो प्रोस्पेक्टिंग, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि कई बार मॉलिक्यूलर और जेनेटिक प्रोडक्ट्स को इस तरीके से काम में लिया जाता है कि वो आर्थिक रूप से महत्व के बन जाते हैं, तो उसको हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना या जैव विविधता को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो अगली क्लास में जो हम समझेंगे वो वापस बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हम एक्सीटू और इनसीटू कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें क्या अंतर होता है, रामसर कन्वेंशन क्या है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके एनवायरनमेंट के बारे में। आजकल एनवायरनमेंट सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।